क्या जल्द ही राखी दवे बोलने वाली है सीरियल अनुपमा को हमेशा के लिए अलविदा। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में राखी दवे का किरदार अदा करने वाली तस्नीम शेख को लेकर खबरें आ रही थी कि वो जल्द ही शो को अलविदा कहने वाली है। इन सभी अटकलों पर अब एक्ट्रेस ने खुद चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए बताते हैं शो को लेकर एक्ट्रेस ने क्या क्या कहा है। भाई दोस्तों, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अनुपमा बीते 2 सालों से TRP लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। उसने और भी बहुत सारे सीरियल को झटका दिया है। हालांकि और सीरियल जो है अनुपमा की गद्दी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हर बार वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं। इन दिनों अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि जहां अनुपमा एक तरफ पारितोष को संभालने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ माया उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच अनुपमा को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। दरअसल शो में राखी दवे का किरदार निभाने वाली तस्नीम शेख ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और भी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती हैं। तो चलिए बताते हैं वह इन सब का क्या मतलब है, क्या राखी दवे सच में शो छोड़ने वाली है। अगर बात करें तस्नीम शेख के इंटरव्यू की, तो उसमें उन्होंने कहा है, शुरुआत में मैंने शो में एक मजबूत किरदार निभाया था, यानी वैम्प का रोल निभाया था, जो हमेशा अनुपमा के लिए मुसीबत खड़ी करती थी और उसे ताने देती थी। मुझे गर्व है कि प्रोडक्शन हाउस ने मुझे इस रोल के लिए चुना था। मैं यही समझती हूँ कि मेरे ट्रैक पर हमेशा ही फोकस नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ महीनों से शो पर मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाने वाली हैं, लेकिन अनुपमा को अलविदा नहीं कहेंगी। इस बारे में उन्होंने कहा, मैं जाहिर तौर पर अनुपमा में काम करूंगी, लेकिन मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स भी तलाशूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम है। क्रिएटिव टीम भी इस बात के लिए राजी हो चुकी है कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर सकती हूँ। मेरा अनुपमा छोड़ने का प्लान तो नहीं है, लेकिन जब मैं दूसरी चीजें भी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। तस्नीम ने आगे बताया कि अगर मैं यहाँ रहकर अनुपमा में सास का रोल निभा रही हूँ, तो मैं दूसरे शो में अलग किरदार अदा करना चाहूँगी। तस्नीम शेख ने आगे बताया है कि वो सलीम अनारकली का हिस्सा रह चुकी है। इस बारे में उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेकर्स को ये ना लगे कि अगर मैं अनुपमा से जुड़ गई हूँ, तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। यानी कि भाई राखी जो है, अब वो पूरे प्लान में है और भी प्रोजेक्ट करने के। पर हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि राखी दवे की एक्टिंग आपको कैसी लगती है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जहां राखी ने खुद सामने आकर बातें कही हैं। वो अक्सर ऐसा करती रहती हैं। और बात करें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से राखी दवे जो है इंस्टा पर भी फैंस के साथ हमेशा कनेक्ट रहती हैं। वेल दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।